दिल्ली के युवा तेज तर्रार भाजपा नेता कपिल मिश्रा और बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने मार्च से भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी ने लिए जन चौपाल को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मोदी एवं योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राजेश चौधरी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उपस्थित जनसमूह से उन्होंने कहा कि आपके घर गाँव और चौपाल से निकले युवा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। राजेश चौधरी की जीत से मार्ग की समस्याओं का जड़ से अंत होगा और मार्ग विकास की नई गाथा लिखेगा। कपिल मिश्रा एवं नवीन नितिन ने नौजिल विरोध ठेनवा आदमपुर आदि गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। अड्डा मलरना में केवल समाज से जीत का आशीर्वाद और पूर्ण समर्थन की घोषणा की। नगला पतराम में 107 वर्षीय मंत्री देवी ने राजेश चौधरी को जीत का आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने सब गलियों में फूल खिला देना मेरे बाबा आने वाले हैं जैसे गीत गाकर राजेश चौधरी का हौसला बढ़ाया। ब्लॉक प्रमुख सुमन चौधरी, राजेश चौधरी, नगला मेहरू, सुरका बनरिया, खेरिया, गोला, रोहिसरा, नगला दीपा, नगला चिकन, हुड़ासानी, थाना मुलगड़ी आदि गांव में अपने पति के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। अगर यूपी के आप 400 से कम उम्मीदवार देखोगे ना, उसमें जिनकी चुन के जिन लोगों को बिल्कुल सीधे अमित शाह जी ने, मोदी जी ने चुन के टिकट दिया, उनमें से एक राजेश चौधरी जी आपके द्वारा है। और अभी हम पिछले पीछे गांव में थे, तो पीछे गांव में उधर बड़ौर में, वहां पे सब ये कह रहे थे कि हमारे यहां से तो जीत के जा रहे हो, अभी तो शेरगढ़ की तरफ जा रहे हो, उधर से देख लेना। और अभी यहाँ पे आए हम, बाबा जी आके कह रहे यहाँ से तो हम जिताएंगे। दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है, कोई दूसरा नजर नहीं आता है, और नहीं तो फिर दोबारा वही हाथी आ जाएगा, वही स्थिति हो जाएगी। बूढ़ा हो गया है हाथी, अब चला नहीं जाता है, नोटों की गड्डियां खा खा करके उसका लीवर खराब हो गया है। उस बूढ़े हाथी को यदि आपको घर बिठाना है, उससे मुक्ति पानी है, तो आपको केवल एक ही विकल्प है, कमल का फूल मत आना बहकाने में। बार बार आते हैं, हर बार वोट देते हैं, हर बार पंचायत होती है, हर बार हम जुट जाते हैं, तन से मन से धन से अपना काम धंधा सब छोड़ करके जुटते हैं, और परिणाम क्या आता है? पराजय। एक बार मुझे भी आजमा के देखो, सबको आजमाया है आपने, और मैं तो आपका अपना हूं।